संघीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। रायपुर के दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अमित शाह ने कहा कि ये अच्छा संकेत है कि देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली शक्तियों का सफाया हो गया है। कांग्रेस को कम वोट मिलने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि लोगों ने उस व्यक्ति और उस पार्टी को वोट दिया जो भाजपा को हरा सकता था। दिग्विजय सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी, सीएए, एनआरसी को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले। सीएए को वापस लेना चाहिए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी नहीं लगाने का पूरा पूरी घोषणा करना चाहिए, अन्यथा इससे ये अशांति और बढ़ेगी और अशांति के माहौल में ना तो उद्योग लगेंगे, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना रोजगार बढ़ेगा। मध्यप्रदेश विधान